अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, सुन्नत की नियत कैसे बंधती है, वो मुझे एक बहन का कमेंट आया था, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैं आपको नियत बांध करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत सुन्नत नबी रसूल अल्लाह की, वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त जोहर का, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह हु अकबर। बहुत से लोग जो होते हैं ऐसे अदा करते हैं नियत को। नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत नबी रसूल अल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला की, नहीं कहते हैं वो लोग, क्योंकि मैंने काफ़ी अपने घर में भी मैंने ये सुना है कि नियत सुन्नत में गड़बड़ कर देते हैं, तो मैंने उनको भी बताई है। तो नियत ऐसे ही है, नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत नबी रसूल अल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के, क्योंकि इबादत जो आई है तो अल्लाह ताला के लिए इबादत आई है, ना कि किसी नबी के लिए, सहाबा के लिए इबादत नहीं आई है। तो जो कहते हैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते नबी के या रसूल अल्लाह के, तो ये नमाज में नियत गड़बड़ हो जाती है। नियत जो है वो यही सही है, नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह हू अकबर। रुख भी कह सकते हो, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ भी कह सकते हो, क्योंकि मायना दोनों बात का एक ही है। जिन बहनों को ये बात नहीं पता है, वो इस वीडियो को देख करके अपनी सुन्नत की नियत ठीक कर लें, वरना तो जब हमारी नमाजें गड़बड़ होंगी तो आगे पूरा सब कुछ हमारा गड़बड़ चलता रहेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमाज़ पढ़ें, नमाज़ कायम करिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।